मुझे आज कर रहा था स्प्रिंग रोल खाने का मन और मेरे पास स्प्रिंग रोल सीट नहीं थी, तो मैंने बनाए आज ब्रेड स्प्रिंग रोल। तो उसमें मैंने डाला अनियन, कैरेट, कैबेज, कैप्सिकम और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो, रेड पेपर, सॉल्ट एंड सेजवान, ये तीनों चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी। मुझे सेजवान पसंद है, आप चाहें तो टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से सौते करना है, ज़्यादा आप फ्राई नहीं करना वरना इसका क्रंच चला जाएगा। तो सिर्फ सौते कर लेना और उसके बाद इसको हटा देना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर हमने बनाई एक कॉर्न स्टार्च की स्लरी, जो कि इसके एजेस को सील्ड करने के लिए हमें चाहिए होती है। फिर हमने ब्रेड के एजेस काट लिए थे, इनका हम ब्रेड क्रम बना लेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। फिर इसको हमने रोल से अच्छे से एक शीट बना ली ब्रेड की, क्योंकि वो फूला फूला होता है तो वो शीट सही से नहीं बनती है। फिर उसके बाद जो एजेस बचे थे उनका हमने ब्रेड क्रम बना लिया एंड जो हमने सब्जियाँ सौते करके रखी थी वो डाली एंड चीज़, ये सबसे अच्छी चीज़ है, चीज़ डाल के इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही टेस्टी लगती है ये। और अच्छे से हम इसको सील्ड करके जो स्लरी बनाई थी उसमें हमने डिप किया एंड देन हमने इसको कोट किया ब्रेड क्रम से। फिर हमको कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लेना है और ये ऑयल हमें हाई टू लो फ्लेम पे करना है। उसके बाद हमने इनको तल लिया था, इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे एंड ये बहुत टेस्टी बने थे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं।